नमस्कार दोस्तों, श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप मौलासर में आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लास मैथ्स की अभी शुरू कर रहे हैं। मैथ्स में आपको शुरू से पढ़ा रहे हैं, तो शुरू से मैं अपन स्टार्ट करेंगे। पहले संख्याओं का ज्ञान, संख्याओं के बारे में अपन पढ़ेंगे, और संख्याओं से संबंधित एक अपना टॉपिक है जो है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। उनके बारे में अपन जानकारी हासिल करेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं होती है और क्या क्या क्वेश्चन पुटअप होते हैं एग्जाम में उनमें से, तो उसके बारे में अपन जानकारी हासिल करते हैं। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं टॉपिक का नाम संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में संख्याओं की बात करें तो संख्याएं दो प्रकार की होती है। पहली जो संख्याएं अपने मूलभूत जीवन में काम में आती है उन संख्याओं को अपन कहते हैं वास्तविक संख्याएं। जो अपने आसपास की जितनी भी संख्याएं हैं जिनको अपन काम में लेते हैं वो होती है वास्तविक संख्याएं। और जिन संख्याओं की आवश्यकता अनुसार अपन उनको बना लेते हैं वो कहलाती है काल्पनिक संख्याएं। ज़्यादातर एग्जामों में वास्तविक संख्याओं के बारे में ही पूछा जाता है, काल्पनिक संख्याओं के बारे में बहुत कम बार पूछा गया है। और अगर पूछा भी जाए तो आपको उदाहरण स्वरूप आयोटा आई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इसका मान होता है √-1। आपको √-1 आयोटा उदाहरण मिलेगा। और काल्पनिक संख्याओं के बारे में पूछा जाएगा तो आपको यही उदाहरण देना है। बाकी अल्फा बीटा गामा एक्स वाई जेड सारी काल्पनिक संख्याएं होती है, लेकिन उनका बाद में एक वैल्यू आती है यानी मान आता है, और आयोटा का मान फिक्स कर दिया गया है कि √-1 ही होगा। वास्तविक संख्याएं कई प्रकार की होती है, जिनमें पहली संख्या जो होती है वो होती है प्राकृत संख्या या प्राकृत संख्याएं। प्राकृत नाम से ही पता चल रहा है कि प्रकृति से जो प्राप्त हुई, प्रकृति से प्राप्त होने का मतलब है कि मानव में जब बुद्धि का विकास हुआ तो उसने जैसे जैसे संख्याओं का ज्ञान लेना शुरू किया तो उसने सबसे पहले 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं काम में ली, और उन संख्याओं को अपन कहते हैं प्राकृत संख्याएं। और इन संख्याओं से जो मिलकर बनी 1 से 9 और इनसे मिलकर जो जितनी भी संख्याएं बनी उनको अपन कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो आप प्राकृतिक संख्याओं को कह सकते हैं 1 से चलेगी अनंत तक। 1 से अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती है वो होती है प्राकृत संख्या। अब आपके ध्यान में रखने के लिए मैं बता देता हूं कि प्राकृत संख्याओं में 10 आता है, 20 आता है, 100 भी आता है, 1000 भी आता है, लेकिन 10, 20, 100, 1000 में जो जीरो होते हैं वो जीरो नहीं है जिसका मान कुछ नहीं है, वो है 1 और 9 को मिलाकर बनाया हुआ जीरो है। यानी 1 और 9 को मिलाकर जो संख्या बनेगी उसको कहते हैं 10, और वो वैल्यू हो गई 1 और 9 से बनी हुई वैल्यू है। जबकि ये जीरो वो जीरो नहीं है कि इसका मान कुछ नहीं है। जीरो को जब इन संख्याओं में सम्मिलित कर लिया गया तो ये संख्याएं बन गई आपके पूर्ण संख्याएं। जीरो को जब इन संख्याओं में सम्मिलित किया गया तो संख्याएं बनी पूर्ण। पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर अनंत तक होती है। पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर अनंत तक होती है। और सबसे ज़्यादा इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जीरो किस प्रकार की संख्या है, तो ऑप्शन में आपको मिलेगा प्राकृत संख्या है। तो पहले देखते ही प्राकृत मत कर देना, प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, सम संख्या है, कौन सी संख्या है, तो आप उत्तर कौन सा करके आओगे, पूर्ण संख्या है। पूर्णांक में भी जीरो आता है, लेकिन पूर्णांक में जीरो बाई चांस आता है,
जबकि पूर्ण संख्याएं किसके लिए बनाई गई है? जीरो के लिए ही बनाई गई है, इसलिए जीरो क्या है? पूर्ण संख्या है। आगे अपन बात करते हैं तीसरे नंबर की जो संख्या है वो आएगी पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं आपके माइनस से लेकर प्लस अनंत तक चलती है, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक चलती है। पॉजिटिव संख्याएं सारी अपने प्राकृत में आती है, जितने भी प्लस वाले चिन्ह वाली संख्याएं हैं वो प्राकृत में आती है, और जीरो आ गया पूर्ण में। अब जीरो के साथ पूर्ण संख्याएं सारी की सारी पॉजिटिव है, जब नेगेटिव संख्याओं की आवश्यकता पड़ी तो कौन सी संख्याएं बना दी गई? पूर्णांक संख्याएं बना दी गई, ठीक है, पूर्णांक संख्याएं बना दी गई। फिर पूर्णांक संख्याओं में इनमें से कोई बाय चांस ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी कोई इसका क्वेश्चन पूछता नहीं है। ऐसे जरूर पूछा जा सकता है कि भाई पूर्णांक संख्याएं कौन सी है, ऋणात्मक, और ऐसे ऑप्शन दे देगा ऋणात्मक और आपके दे देगा धनात्मक, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों, और इनमें से कोई नहीं, तो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों। ऐसे बहुत कम बार पूछा जाता है, नहीं पूछा जाएगा। फिर चार नंबर पे जो संख्याएं आती है वो आती है सम संख्याएं। सम संख्याएं मूल रूप से संख्याएं कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की, ठीक है, मूल रूप से संख्याएं तीन ही प्रकार की होती है, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक। बाकी जितने भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो सब प्राकृत के क्या होंगे? पार्ट होंगे, यानी उसी का भाग है। जैसे सम संख्याएं हैं तो सम संख्याएं जिनमें दो का भाग पूरा पूरा जाता है वो कौन सी संख्याएं होगी? सम संख्याएं। तो सम संख्याएं तो देखो दो, चार, छः, आठ, जितनी भी ये संख्याएं हैं अनंत तक चलेगी, तो ये सारी संख्याएं कहाँ से ली गई है? प्राकृत में से ली गई है, प्राकृत में से एक छोड़कर एक आ रही है, ठीक है, विषम को छोड़ रहा है सम उठा रहा है। फिर तीसरे पांचवें नंबर पर आपकी संख्या हो गई विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं कौन सी होती है? जो इनमें से बच गई, जिनमें दो का भाग नहीं गया, प्राकृत में से सम को निकाल लिया तो जो बची संख्याएं वो क्या होगी? विषम होगी। तो एक हो गई, तीन हो गई, पाँच, सात और ऐसे नौ आगे चलती रहेगी, तो अनंत तक चलेगी। अब इन दोनों के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि भाई सम संख्या कौन सी है, ये इतना सरल सवाल थोड़ी आएगा। लेकिन इनके इनको लिखाया क्यों जाता है? क्योंकि इनका आगे योग का सूत्र भी है, योग इनका जरूर पूछा जाता है, और वर्गों का योग भी पूछा जाता है। तो वर्गों के योग का सूत्र और योग का सूत्र अपना आगे उसका डिस्कस करेंगे। पहले अपने इम्पोर्टेंट जो है वो है भाज्य संख्याएं, छः नंबर पे आती है, ये भी प्राकृत का ही पार्ट है। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं कौन सी होती है? अब नाम से पता चल रहा है भाज्य, मतलब जिसमें भाग जाता हो, है ना, तो भाग किसका जाता हो? हर संख्या में एक और खुद का भाग तो जाएगा ही, तो वो तो मैटर नहीं करेगा, उसके अलावा किसी एक संख्या का भाग जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ अपन नीचे देखो बात करते हैं, एक को छोड़ दिया जाए, एक सब सबका गुणज होता है और सबका भाजक भी होता है, ठीक है। तो एक को नहीं लेंगे, एक के बाद क्या लेंगे? दो। दो में देखो किसी संख्या का भाग जाता है क्या? खुद या एक के अलावा किसी का नहीं जाता। तीन में? तीन में भी नहीं जाता। चार में किसका जाता है? दो का। तो चार क्या है? भाज्य संख्या। चार उसके बाद पाँच में नहीं जाता, छः हो जाएगा, आठ हो जाएगा, नौ, नौ में किसका जाता है? तीन का। फिर आ जाएगा दस, दस के बाद क्या आ जाएगा? बारह, बारह के बाद चौदह, चौदह के बाद पंद्रह, पंद्रह में किसका जाता है? तीन का और पाँच का। पंद्रह के बाद आ जाएगा आपका सोलह, अठारह, बीस हो जाएगा आपका, बीस हो जाएगा, इक्कीस, बाईस और क्या हो जाएगा? 24 और 25। मैं 25 तक की लिख रहा हूँ, है ना। तो 25 तक की संख्याओं में ये इतनी संख्याएं क्या होती है? भाज्य संख्याएं होती है, ठीक है।
अब भाज्य संख्याओं को और भी नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है? संयुक्त संख्याएं, संयुक्त इनको कहा जाता है, संयुक्त कहा जाता है, संयुक्त संख्याएं कह सकते हैं। और कौन सी संख्याएं कह? यौगिक संख्याएं कह सकते हैं, यौगिक नाम मिलकर बनने से पड़ा है ये, दो या दो से अधिक संख्याओं से क्या होती है? मिलकर बनी होती है, इसलिए क्या कहते हैं इनको? यौगिक। संयुक्त इसलिए कहते हैं, वही बात, यौगिक वाली दो या दो से अधिक संख्याओं से मिलकर बनी होती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? संयुक्त संख्याएं कहती है। अब देखो इन पे क्वेश्चन क्या आता है, इन पे क्वेश्चन आता है कि ये जो भाज्य संख्याएं होती है ये एक से लेकर 25 तक में कितनी भाज्य संख्याएं होगी, एक से लेकर 25 तक में कितनी भाज्य संख्याएं होगी? गिनो देखे कितनी होगी, 15 है, ठीक है, 15 भाज्य संख्याएं एक से लेकर 25 तक में होगी ना, कोई सूत्र नहीं है, ऐसे डायरेक्ट आपको याद रखना है कि एक से 25 तक में कितनी है, 15 है, ठीक है, 15 होगी। और इसमें और क्वेश्चन पूछा गया, देखो इस पर और इस पर, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4। और सबसे छोटी समभाज्य संख्या भी कौन सी है? 4 ही है। दो सवाल बन सकते हैं, एक तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे पूछ सकता है, सीधा पूछे तो ऐसे पूछे, भाई सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो 4 है। सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन सी है? तो भी क्या है? 4 ही है, क्योंकि सम है ना ये। फिर पूछ सकता है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है? तो कौन सी है? 9। अब क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि भाई सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या और सबसे छोटी सम भाज्य संख्या में अंतर बताओ, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या और सबसे छोटी सम भाज्य संख्या में अंतर बताओ, तो कितना अंतर होगा? 5। अब गलती से वहाँ पे क्या रह जाती है? अभाज्य याद रह जाती है, और ऑप्शन में ए ऑप्शन में मिलेगा 1। सबसे छोटी अभाज्य क्या है? 2। और सबसे ये तो हो गई सम और ये क्या हो गई? विषम। दोनों का अंतर क्या होगा? 1। तो वो अभाज्य है, ये क्या है? भाज्य है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ तक आप नोट कर दो, एक बार फटाफट नोट करो, हैं लिख लो फटाफट, हाँ लिख दो फटाफट, यही तो लिखना होगा केवल। लिख दिया, फिर आपके हो जाएगा देखो नंबर 7 पे अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं भाज्य संख्याओं को छोड़कर जो बचेगी वो क्या होगी? अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्या एक को तो छोड़ देना है, एक ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है, एक ना भाज्य और ना अभाज्य होने का कारण है क्योंकि एक सभी का तो सभी में तो उसका भाग जाता है और सभी का क्या हो सकती है? वो गुणज हो सकती है, कोई प्रभाव उससे पड़ेगा नहीं। अभाज्य संख्याएं, तो पहली अभाज्य संख्या क्या होती है? 2, जिसमें किसी संख्या का भाग नहीं जाता, खुद का और एक का जाता है, एक से प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद क्या होगी? 3, 5, 7, फिर आ जाएगी 11, फिर 13, फिर 17, फिर हो जाएगी आपके 17 के बाद 19 के बाद क्या आ जाएगी? 23, फिर आगे चलती रहेगी। ये 25 तक की मैंने लिख दी,
25 तक में ये अभाज्य संख्याएं होती है, ठीक है, 1 से 25 तक में ये इतनी अभाज्य संख्याएं होती है। अब इसमें क्वेश्चन पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2, और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या पूछे तो भी 2 ही है, ठीक है, और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या पूछे तो 3 हो जाएगी, ठीक है। फिर इनकी संख्या पूछी जाती है कि 1 से लेकर 25 तक में अभाज्य संख्याएं कितनी होगी, तो कितनी होगी, 9, ठीक है। अब आपको पूछ लिया कि भाई 1 से 25 तक में भाज्य संख्याएं कितनी है, तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, 9 घटा देंगे 25 में से, कितना बचेगा, 16, 16 में से 1 घटा दो, 1 ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य, तो 15 बचेगी ना, तो 15 अभाज्य और 9 क्या होगी, सॉरी 15 तो भाज्य और 9 क्या होगी, अभाज्य, और 1 जो है वो ना भाज्य और ना ही अभाज्य। फिर 1 से लेकर 50 तक पूछता है, तो 50 तक में कितनी होगी अभाज्य संख्याएं, 15, ठीक है। फिर आ जाएगा 1 से 75 तक में, 1 से 75 तक में होगी कितनी, 21, ठीक है, और 1 से लेकर 100 तक में कितनी होगी, 25, इतनी होगी, तो ये भी लिख दो। अब इनको निकालने का कोई सूत्र नहीं है, ये तो बिना सूत्र के निकाली हुई है, फोटो खींचो, लिख दिया ये, चलो अब अपन बात कर लेते हैं नंबर 8 पे जो संख्याएं आती है वो आती है आपकी परिमेय। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं कौन सी होती है, तो परिमेय संख्या, संख्याओं की परिभाषा अपन पढ़ते आ रहे हैं कि वे संख्याएं जिनको पी बटा क्यू रूप में व्यक्त किया जा सकता है क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं कहलाती है। अब पी बटा क्यू रूप में, तो पी बटा क्यू का मतलब है जैसे ये लिखा हुआ है 2/3, ठीक है, तो ये क्या कौन सी संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ठीक है, इसको बट्टा में लिखा गया है। ऊपर वाला मान क्या हो गया, पी, 2 को अपन पी कह सकते हैं और 3 को क्या कह सकते हैं, क्यू। जिन संख्याओं को पी बट्टा क्यू रूप में व्यक्त किया जा सकता है वो संख्याएं क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं कहलाती है। तो आप पहले तो परिभाषा लिखो, कौन सा, हाँ, क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्यू का मान 0 होते क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। तो परिभाषा देखो मैं लिखता हूं, यहां पे लिखना आप साथ साथ, जिन संख्याओं को पी बटा क्यू रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, क्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, क्यू 0 होते ही क्या हो जाएगा, अनंत। कोई भी संख्या के बट्टा में आप 0 लगा दो तो वो संख्या क्या बन जाएगी, अनंत बन जाएगी। इसलिए क्यू जो, यानी कह सकते हैं आपकी हर इसका क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, हर ही तो है क्यू, हर 0 नहीं होना चाहिए। अब परिमेय में आप उदाहरण कुछ भी लिख सकते हो, 2/3 लिख दिया, 20/50 लिख दिया,
50 बटा 30 भी लिख सकते हो बोले। देखो ऊपर वाला बड़ा है यानी अंश बड़ा है, हर छोटा है तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। 40 बटा 20 लिख दिया तो भी क्या है, ये परिमेय ही है, भाग पूरा पूरा चला जाएगा ना दो बार, तो भी परिमेय ही है। और सारी की सारी प्राकृत संख्याएं, सारी की सारी जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती है वो क्या होगी, परिमेय होगी। क्योंकि प्राकृत संख्याएं जैसे मान लो दो है, आपको पूछे क्या ये परिमेय है क्या, तो हाँ परिमेय है, क्योंकि इसको आप क्या लिख सकते हो, दो बटा एक लिख सकते हो। और क्यू देखो क्या नहीं है, जीरो नहीं, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, बस इतना ही ध्यान रखना है, क्योंकि अनंत है ना, अनंत अनंत परिमेय संख्या नहीं है, अनंत न परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए साफ दिया उदाहरण। चलो तो अगली बात करते हैं, अब आ जाएगी आपके अपरिमेय संख्याएं, नंबर 9 पे जो लास्ट है अपरिमेय अपरिमेय संख्याएं। अब अपरिमेय संख्याओं की अपन परिभाषा ऐसी ही पढ़ते आ रहे हैं कि वो आज तक अपने समझ में नहीं आई है ना, क्योंकि उसको अपन ऐसे पढ़ते हैं कि भाई परिमेय संख्या है तो जैसे कोई चीज में विभेद कर बोल कि इसमें इसमें डिफरेंट कीजिए, तो अपन इसकी कि भाई इसमें ये है इसमें ये नहीं है, यही करते हैं ना कि भाई आप मोटरसाइकिल और कार में अंतर बताइए, तो अपन क्या लिखेंगे कि भाई इसमें दो पहिए होते हैं, जबकि इसमें दो पहिए नहीं होते हैं, कितने होते हैं, चार होते हैं, ठीक है। इसमें एक सीट होती है, ठीक है, तो इसमें कितनी होती है, 5, 6, 8 इतनी हो सकती है, तो ऐसे डिफरेंट लिखते हैं। तो वैसे वो तो क्या हो गया, उसका डिफरेंट हो गया कि इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं अपन की, उसकी तो पढ़ ली पी बटा क्यू रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और इसकी नहीं इसको लिख देंगे नहीं किया जा सकता है, तो इससे तो अपना काम चलने वाला नहीं है। तो इसकी परिभाषा जो अपने लाइक है वो पढ़ेंगे अपन कि भाई इसकी एग्जिट परिभाषा क्या है, जिससे अपना उत्तर दे सके, अपन जो एग्जाम में सवाल आए उसका उत्तर दे सके। तो वो परिभाषा होती है कि जिन संख्याओं को का वर्गमूल और घनमूल पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाती है, अपरिमेय। जैसे मान लो रूट में 4 लिखा हुआ है, तो रूट में 4 लिखा हुआ है तो रूट 4 का तो वर्गमूल क्या निकलेगा, 2। वर्गमूल क्या निकलेगा, 2। वर्गमूल पूर्ण रूप से ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है, तो ये कौन सी संख्या होगी, परिमेय होगी, ये क्या होगी, परिमेय। जबकि मैं लिख दूं रूट में 2, अपूर्ण रूप से ज्ञात किया जा सकता है क्या, नहीं किया जा सकता, पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसको 1.414 ऐसे चलता रहेगा ये आगे तक, है ना, ये तो रोक दिया गया है, बाकी भिन्न आगे चलती रहती, तो इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसलिए ये क्या है, अपरिमेय है, ठीक है। रूट 3 तो 1.732 ये पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो इसलिए क्या हो गई, ये अपरिमेय हो गई, ठीक है। तो अपरिमेय संख्याएं वही है जिनका वर्गमूल और घनमूल पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो इसमें आप उदाहरण भले ही लिख सकते हो
एग्जाम्पल आपका हो जाएगा इसमें रूट दो, रूट तीन, रूट पाँच, रूट सात बटा दो। अब इस प्रकार के उदाहरण पूछता है वो, तो इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। ऊपर देखो रूट जी सात है तो उसका पूर्ण रूप से नहीं ज्ञात किया जा सकता, तो नीचे हिस्सा ही कितने ही लिख दो, ठीक है। फिर अगर ऐसे भी लिख दे मान लो रूट पाँच बटा रूट तीन, तो भी ये क्या है, अपरिमेय है। और ऐसे लिख दिया रूट सात बटा रूट पाँच, तो भी क्या है, ये अपरिमेय है। तो ये जो सारी संख्याएं होती है वो क्या होगी, अपरिमेय होगी। अब इसमें नोट ध्यान रखने वाली बात कौन सी है कि 22 बटा 7 किसका मान होता है, पाई। 22 बटा 7 पाई का मान होता है, तो 22 बटा 7 तो क्या है, परिमेय है, परिमेय संख्या है, जबकि पाई क्या है, पाई अपरिमेय है, पाई अपरिमेय है, क्योंकि पाई का कोई एग्जिट मान नहीं है। अब ये क्यों है, कैसे है, इसका तो पूर्ण विवरण तो नहीं है, लेकिन इसको यहाँ रखा गया है पाई को, ठीक है। और ये इसको आप अपवाद स्वरूप मानो कि भाई इसका मान तो जो है 22 बटा 7, उसको तो किस में रख दिया, परिमेय में, और पाई को किस में रख दिया, अपरिमेय में, तो ये अपवाद स्वरूप है, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। लिख दो, पीछे हैं, ठीक है, लिख दिया। लिख दिया तो अब इसमें नोट जो अपन ने लिखा था उसमें एक और लिख लो, नंबर दो का पॉइंट लिख लो नोट में, तो भाई जीरो या शून्य, एक पूर्ण संख्या है, ठीक है, शून्य एक पूर्ण संख्या है। और नंबर तीन का पॉइंट उसमें लिख लो भाई, एक या ऐसा लिखो संख्या, अच्छा समझ में आएगा, संख्या एक न तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, न ही अभाज्य संख्या है, यानी एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ठीक है। अब इसमें से जो क्वेश्चन बन सकते हैं अब तक जो पढ़ा वो अपन पढ़ेंगे। मिटा दूं, चलो क्वेश्चन नंबर एक पहले नॉर्मल सवाल पढ़ लेते हैं। तो जैसे मान लो क्वेश्चन पूछा जाए, निम्न में से निम्न
उन में से कौन सी बाह्य संख्या है उनमें से कौन सी बाह्य संख्या है, तो वो ऑप्शन दे देगा आपको। जैसे दे दिया यहाँ पे 9, बी ऑप्शन दे दिया 5, सी ऑप्शन दे दिया आपको 7 और डी ऑप्शन दे दिया आपको 2। कौन सी बाह्य संख्या है? ए ऑप्शन हो जाएगा भाई, 9 ही तो है। बाह्य संख्या कौन सी है? 9। निम्न में से, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? कौन सी अभाज्य संख्या है? ऑप्शन दे दिया जैसे 25, 21, 39 और 42। कौन सी अभाज्य संख्या, बात मत करो, कौन सी हो जाएगी? 39। कैसे? तो मैं यही पूछ रहा हूँ, कैसे? इसमें कोई सी लग रही है क्या आपको? तो मैंने दिया ही नहीं ऑप्शन, कैसे होगा? ये 39 नहीं है ऐसे, ये विषम लग रही है तो लग रहा है कि भाई ये अभाज्य हो गई है ना, ऐसे नहीं है। 11, ये गलत है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? 11। 39 को देखने से लगता है कि ये अभाज्य है, जबकि इसमें किसका भाग जाता है? 13। और 3 का भी तो जाता है, हाँ 3 का भी तो इसमें भाग जाता है, तो किसी एक संख्या का भाग जाता है। फिर आप बता दो निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है? निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है? तो यहां पे मैं लिख देता हूं √12/√5। फिर मैंने लिख दिया यहां पे 27, सी ऑप्शन लिख दिया √7/√5, डी ऑप्शन लिख दिया पाई। कौन सी परिमेय संख्या है? देखो ये परिमेय हो सकती है क्या? नहीं, क्योंकि वर्गमूल 12 का भी नहीं निकलता और 5 का भी नहीं निकलता, तो ये परिमेय, दोनों में से एक का भी नहीं निकले तो भी उत्तर है। फिर 27 क्या है? प्राकृत संख्या है, और सारी की सारी प्राकृत संख्या है किसमें आती है? परिमेय में, तो यही उत्तर हो जाएगा। और पाई तो वैसे भी क्या है? अपरिमेय है, पाई का मान जरूर परिमेय है, ठीक है। तो ये गलत है और ये भी गलत है, 27 हो जाएगा। आई बात समझ? मिटा दूं? क्वेश्चन अगला जो भी है, 4 नंबर का, उसमें लिख लो आप 1 से 30 तक की अभाज्य संख्याएं बताइए। अभाज्य संख्याएं कितनी है? 1 से
30 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी है, यानी उनकी संख्या कितनी है, कितनी होगी? मैं ऑप्शन देता हूं 7, 9, 10, डी ऑप्शन है 11, कितनी होगी? 10 होगी। देखो 1 से 30 तक में बात करें तो 1 से 25 तक की तो अपनी को अपने को याद है कितनी है, 1 से 25 तक में अभाज्य संख्याएं कितनी होती है, 9। 25 के बाद देखो 26 अभाज्य है क्या, नहीं है, 26 में भाग जाता है। फिर 27 नहीं है क्योंकि 3 का भाग जाता है, 9 का भी जाता है। फिर 28, 28 में 2 का ही जाता है ना, 2 का, 7 का, ठीक है। फिर 29, 29 में किसी का भाग नहीं जाता है, तो 29 एक अभाज्य संख्या और जुड़ गई। और 30 तो वैसे भी भाज्य है, तो 29 एक जुड़ गई, पहले से कितनी थी 9, तो कितनी हो गई 10, तो उत्तर हो जाएगा 10। ऐसे करना, आई बात समझ में? फिर देखो सवाल नंबर अगला 5 नंबर का कि 1 से 50 तक में भाज्य संख्याएं कितनी है, भाज्य संख्याएं कितनी है 1 से 50 तक में भाज्य संख्याएं कितनी है, तो 1 से 50 तक में भाज्य संख्याएं कितनी होगी? ऑप्शन दे, 35 दे दिया पहला ऑप्शन, 34, 33, 32। भाई अभाज्य आपको पूछी, भाज्य क्या पूछी, भाज्य, तो आप अभाज्य पे जाओ, तो अभाज्य देखो 1 से 25 तक में कितनी होती है, 9, और अभाज्य 1 से 50 तक में कितनी होती है, 15 होती है, और 1 से 75 तक में 21, 1 से 100 तक में कितनी हो जाएगी, 25। यहाँ पे देखो 15 अभाज्य है 1 से 50 तक में, तो 50 में से क्या घटा दूं पहले, तो 15, तो कितना बचेगा, वही उत्तर है, गलत है, एक और घटाएंगे, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, तो माइनस एक और करेंगे, तो कितना आएगा उत्तर, 34। लिख दो, यहाँ अलग अलग बायोडाटा लिख दिया करो, वापिस समझो तब दिक्कत ना हो, कुल फिर लिख दिया करो अभाज्य फिर यहाँ पे एक न तो भाज्य और ना ही अभाज्य, ठीक है। अब सवाल और लिख लो नंबर 6 जो भी है, एक से 60 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याओं की संख्या, अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी 1 से 60 तक में, तेरह, चौदह,
17, 19 होगी पक्का। अरे बाजे देखो, 1 से 50 तक में कितनी होती है? 15। अब आपको 60 तक में ज्ञात करनी है, तो 50 तक तो आपका ज्ञात है, फिर अपन कहाँ से ज्ञात करेंगे? 51 अभाज्य है क्या? 51 में 3 का भी जाता भाई भाग, है ना? तो ये अभाज्य नहीं है, क्या है? भाज्य। फिर 52 तो वैसे भी नहीं होगी, 53 होगी क्या? 53 होगी, सही है। 53 के बाद 54 है, 55 नहीं होगी, 56 नहीं होगी, 57 में किस 19 57 नहीं होता क्या? हाँ सॉरी, 16 करना था ना यहाँ पर, है ना? जैसे 57 है, आप तो ध्यान रखना बस ये भाई, 57 है, 51 है, ये कन्फ्यूज करने वाली, जैसे 39 मैंने लिखा था वहाँ पर, ये कन्फ्यूज करने वाली संख्याएं हैं, इनका ध्यान रखना। 57 में किसका भाग जाता है? 19 का। तो आपके पास 51 से लेकर 60 तक में मात्र एक ही संख्या ऐसी है जो क्या है? अभाज्य है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 16। हाँ 59 में, हाँ 59 में नहीं जाएगा, सॉरी भाई, 53 हो गई, 53 और क्या होगी? 59 होगी टोटल, तो 2 ऐड होगी, 17 है ना? बिल्कुल 17 ही होगी, 16 गलत है। होगी ये आपको ध्यान रखना है, ये 57 ने कंफ्यूज कर दिया है ना। उसके बाद खानी पाशा बात था वास्ते मंगाई दी, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7, 8 जो भी है, एक और लिखो देखे निकाल के बताना आप। 1 से 75 तक की संख्याओं में भाज्य संख्याओं की संख्या, भाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात करो, कितनी होगी? कितनी होगी? 53 होगी। क्योंकि 1 से 75 तक में वो अभाज्य कितनी होती है? 21। तो 75 में से 21 घटा दो, बैल तो 54 बची, 54 में से क्या घटाएंगे? 1। ऑप्शन ऐसे मिलेगा 52, 53, 54, 57, उत्तर क्या हो जाएगा? 54। 53। हाँ 54 तो वो घटाने पर आया, 53 होगा ना, एक और घटाएंगे, सही है। 75 टोटल है, 75 में से अभाज्य घटा देंगे, तो अभाज्य कितनी होती है? अभाज्य होती है 21, तो आपका उत्तर आया 54। 54 में से क्या घटा देंगे? 1, तो उत्तर आ जाएगा 53। ठीक है, ऐसे करना। फिर देखो एक और कर दे,
जो भी नंबर है, क्वेश्चन नंबर 9 जो भी है, कि 1 से लेकर 90 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याओं की संख्या, कितनी होगी 1 से 90 में, निकाल के बताओ देखिए कितनी होगी। ऑप्शन दे देता हूं मैं, 25, 24, 23 और 22। अब कंफ्यूज करने वाली संख्याएं हैं, उनका उनका ध्यान रखना है। 23 होगी, 24 होगी। देखो 1 से 100 तक आपको पता है, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? 25। अब आपको 91 से लेकर 100 तक की संख्याएं ज्ञात करनी है, वो घटा दो इनमें से। तो 91 की बात करें, 91 अभाज्य है क्या? नहीं, 7 का भाग जाता है, 91 जाता है ना, 13 का भाग जाता है, फिर 92 और 92 तो वैसे भी नहीं होती, 93 को देखो, 93 में 3 का जाता है, 95 को देखो 5 का भी जाता है, 5 का जाता है, 19 का भी जाता है, ठीक है, और हो जाएगा 96 को देखने की जरूरत नहीं, 97 को देखो आप, 97 अभाज्य ही है, किसी का भाग नहीं जाता, किसी का भाग नहीं जाता, तो 1 घटा देंगे, 99 तो वैसे भी 3 से विभाजित है और 11 से भी विभाजित है, तो 1 घटा देंगे इसमें से, तो उत्तर का आपका क्या आएगा? 24। हाँ, 13 का भाग जाता है ना 91, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 24। एक ही ऐसी संख्या है 91 से लेकर 100 तक की जिसमें एक ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो सर को बुलाओ एक बार। एक और करवा दें, चलो तो एक और कर लेते हैं। एक और लिख लो, 10 सवाल हो जाएंगे। हाँ।